हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? तो दोस्तों, आप लोग बोल रहे होंगे कि आज वीडियो की स्टार्टिंग ये लोग कहाँ से कर रहे हैं। वैसे थंबनेल और टाइटल से तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज क्या स्पेशल बनने वाला है हमारे खाने में। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे है कंडाली, जिसको कि हिंदी में बिच्छू घास बोला जाता है। और जो उत्तराखंडी लोग होंगे ना, तो उन्होंने कंडाली बहुत खाई होगी, खाने में नहीं, जब कहना नहीं मानते होंगे ना तो तब जरूर खाई होगी। मम्मी ने तो बहुत लगाई है भाई हमें कंडाली। मैंने कंडाली खूब लगा रखी है, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत शैतान थी। हर काम में शैतानी करती थी, मुंह भी चलाती थी, रोती भी बहुत थी। तो मम्मी कंडाली से दरांती लेके जाती थी और कंडाली लगाती हूँ इसके मुंह में। हाँ बिल्कुल। तो शायद जो उत्तराखंडी लोग होंगे उनकी यादें भी ताजा हो गई होंगी, उन्होंने भी बचपन में कंडाली जरूर खाई होगी। तो बचपन में तो हमने कंडाली खाई थी, लेकिन आज हम कंडाली का साग खाने वाले हैं और आप लोगों को भी खिलाने वाले हैं। तो जो जब ये कंडाली लगती है ना, तो काफी देर तक चमराहट रहता है, यानी कि काफी देर तक झंझनाहट रहती है। फिर सरसों का तेल लगाने से तब जाके थोड़ा झंझनाहट कम होती है। रो भी लगा देते, जैसे कभी ना जब छोटे छोटे थे ना, तो जब कंडाली लगती है कहीं पे अचानक तो बोल देते ना का सिंगाड़ा भी लगाओ। हाँ बिल्कुल, तो उससे भी कम होता था ऐसा बोला जाता था बचपन में, लेकिन काफी फर्क पड़ता था उससे भी। अगर ना किसी का सिंगाड़ा ही नहीं आता, सब नया जमाना हो गया। तो दोस्तों, आज यहाँ पे कंडाली का साग बनने वाला है, तो हम दिखाएंगे आपको कि कंडाली कैसे निकाली जाती है। उसको नॉर्मल हम हाथ से नहीं निकाल सकते हैं, अगर थोड़ी भी हाथ पे लग गई ना तो तब तो काम तमाम। तो निकालते हैं कंडाली और उसके बाद कंडाली का साग बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे चिमटी का हम प्रयोग कर रहे हैं। वैसे तो पहले के जमाने में रिंगाल की जो लकड़ी होती थी ना, उसको बीच से फाड़ के फिर जाके कंडाली को अटकाते थे, लेकिन अभी हमारे पास रिंगाल की लकड़ी है नहीं, तो अभी हम चिमटे का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। और जो कोमल कोमल पत्तियाँ हैं ना, टुकुन टुकुन की, उन्हीं को निकालेंगे हम। ये देखो, जो ऊपर ऊपर की कोमल पत्तियाँ हैं उनको ही हम निकालेंगे। तो दोस्तों, इस पे इतने सारे कांटे होते हैं, ये देखो, अगर थोड़ा सा भी हाथ पे लग गया ना तो फिर तो आप लोगों को पता ही है। तो इसको ना कोई भी गाय, भैंस, कोई भी पशु नहीं खा सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसको ना ठंडियों के टाइम में ही लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये शरीर में बहुत गर्माहट पैदा करती है। तो अभी मम्मी निकाल ही रही है, ये देखो, और फिर इसके बाद हम इसका साग बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, कंडाली निकाल के तो हम ला गए हैं, और इसके बाद जो हमारा काम होता है, आग में जो इस पे कांटे हैं इनको जलाना होता है। तो यहाँ पे हमारी अच्छी सी आग जली हुई है, तो यहाँ पे हम इन कांटों को जला देंगे। ये देखो, अच्छे से इनको जला देंगे और इनको अलग कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कंडाली को जलाने के बाद कंडाली कुछ इस तरह की हो गई है, और इसके बाद हम इसको उबालने के लिए डालेंगे। यहाँ पे डिक्ची में पानी उबल रहा है, और उबलते हुए पानी में मम्मी ने यहाँ पे कंडाली डाल दी है, ये देखो। कंडाली के साथ हम यहाँ पे मूली के पत्ते भी डाल रहे हैं। वैसे तो लोग पालक डालते हैं, लेकिन अभी हमारे पास पालक था नहीं, तो हम यहाँ पे मूली के पत्ते डाल रहे हैं, थोड़ा कंडाली को मुलायम बनाने के लिए, तो इससे स्वाद थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे मूली के पत्ते भी हमने उबालने के लिए डाल दिए हैं, तो थोड़ी देर इसको उबलने देंगे अच्छे से, उसके बाद बनेगा इसका साग। दोस्तों, जब तक कंडाली उबल रही है तब तक मैं मसाले पीस लेती हूँ। और पहाड़ी खाना बन रहा हो और सिलबट्टे का यूज़ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मसाले में जीरा, धनिया, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन पीस रही हूँ। तो फिलहाल मैं इसको पीस लेती हूँ, वहाँ पे हमारी कंडाली भी उबल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मसाला पीस लिया है और इसको पूरा इकट्ठा कर लूँगी, फिर इसको हम साग में डालेंगे। हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमारी कंडाली जो है कि उबल चुकी है, अब इसको हम सिलबट्टे में पीसेंगे। तो दोस्तों, हमने उसको उबाल के ये कंडाली जो है कि सिलबट्टे में रख दी। अब देखो हम कैसे पीसते हैं इसको। इसको पीस के एकदम बारीक कर देंगे, इसके बाद इसमें तड़का लगाएंगे। कंडाली सिले मां, कंडाली पीसो सिले मां मोहाना,
मोहाना कन खोलो कंडा देखो ये पीस मम्मी देखो गाने भी लगा रही है मस्त मस्त दोस्तों अभी यहाँ पे कंडाली का साग बनाने की तैयारी होने लगी है तो यहाँ पे मैं चूल्हे में डालूंगी तेल। तो दोस्तों यहाँ पे गरम तेल में मैं सबसे पहले यहाँ पे लाल मिर्च डालूंगी जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है तो यहाँ पे मैं थोड़ा लाल मिर्च को भून लूंगी। पहाड़ी खाना बन रहा हो और जख्या का तड़का ना लगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता है तो यहाँ पे मैं जख्या का तड़का मार रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने प्याज काटा हुआ है तो ये प्याज डालूंगी तो दोस्तों इसके बाद जो मैंने लहसुन अदरक धनिया सब कुछ पिसा हुआ था तो इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी प्याज के ऊपर। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे मसाले अपने स्वाद के अनुसार, कोई मिर्च ज़्यादा खाता होगा मिर्च कम खाता होगा तो हम तो कम ही खाते हैं तो इसलिए मैं कम कम ही मसाले डालूंगी। तो यहाँ पे मसाले नमक भी ऐड कर दिया मैंने तो हमारे मिक्स मसाले हैं तो इसलिए मैंने सिर्फ मसाले ही ऐड किए हैं तो इसको अच्छे से भून लेंगे। तो दोस्तों मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं तो यहाँ पे जो हमने कंडाली का साग पिसा हुआ था तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे अभी। तो दोस्तों यहाँ पे हम कंडाली के साग को थोड़ी देर पकने देंगे और फिर इसमें गाढ़ापन लाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें चावल का आटा पीसेंगे तो फिलहाल इसको यहीं पे हल्का सा पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों कंडाली का साग तो हमारा उबल रहा है, तड़का तड़का मार दिया, उसके बाद हम थोड़ा चावल के पीस के डालेंगे क्योंकि थोड़ा उसमें गाढ़ापन आ जाएगा तो इसको पीस के डालेंगे उसमें। काफ़ी लोग आटा बेसन का प्रयोग भी करते हैं लेकिन चावल के आटे से ज़्यादा स्वाद आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने साग को थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था तो यहाँ पे हमने चावल पिसे हुए थे तो इसको हम डालेंगे इसमें, इससे थोड़ा गाढ़ापन आ जाएगा और हमें इसमें गर्म पानी डालना है उसके बाद। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको मिला देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे साग में हमने पानी डाल दिया है और इसको हम थोड़ी देर उबलने देंगे अच्छे से और दिखने में बहुत ही लजीज लग रहा है ये देखो, तो खाने में तो और भी ज़्यादा लगेगा। तो फिलहाल इसको हम थोड़ी देर उबलने देते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको। मैं अभी साग बना के फ्री हुई हूँ और ये दोनों यहाँ पे आराम से आराम फरमा रहे हैं। तो ये मेरी छोटी बहन है जो शायद नए जुड़े होंगे वीडियो में तो मैं उनको बताना चाहूंगी, इसका नाम है क्या है मम्मी? प्यार से हम इसको सिंटुलू बोलते हैं। प्यार से इसको सिंटुलू बोलते हैं। जो वीडियो बना रही है उसको हम प्यार से मेनक भी बोलते हैं। ये वाला कट हो जाएगा। क्यों होगा? और मजाक कर रही हूँ, इन्होंने भी मेरा पूरा सहयोग किया है। मम्मी ने मुझे वो कंडाली पीस के दी है, चावल पीस के दिया है तो ये पता नहीं कितना हल्ला करती है। मैंने बनाया और शीतल ने पूरी वीडियो बनाई है, मेरी वीडियो बनाने में उसने पूरा सहयोग दिया है। तो दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। ठीक है, धन्यवाद आपके लिए भी बेटा। मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। धन्यवाद हमारा धन्यवाद स्वीकार करें जो कि हमें अच्छा खाने को मिलेगा। और मैंने इतनी इतना टेस्टी साग बना हुआ ना मम्मी, खाते हुए तुम भी देखोगे तो बनाते ही है तो शरीर के लिए काफी गर्म होता है, इतनी बड़ांग भी नहीं लगेगी। पर आजकल ठंडियों में ना नहीं आजकल ठंडियों में तो गर्म चाहिए ही। वो तो है। हाँ तो खाना सुन, किसी ने ये भी बोला था जंगोरा कड़ी दिखाना। हाँ तो बनाएंगे एक दिन। कमर में दर्द है, जंगोरा कैसे कूटूंगी, फिर भी एक दिन आपके लिए तो कुछ भी करेगा। बिल्कुल, तो एक दिन वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी हम धूप में बैठ के आराम से कंडाली का साग एंजॉय करेंगे। ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे बन चुका है हमारा लजीज कंडाली का साग, और यहाँ पे भात और वहाँ पे भुनी हुई मिर्च भी है, पितृ देवताओं के लिए रख दिया। हाँ, और आप लोग सोचते होंगे ये लोग हमेशा बाहर पे ही खाना क्यों खाते हैं, तो आजकल ठंड बहुत ज्यादा है तो इसलिए हम छत में बैठ के आराम से छत में खाते हैं। छत में नहीं, हमारे यहाँ पे किसी का आना जाना भी नहीं होता ना। हाँ, तो हमें आदत पड़ी हुई ना बाहर पे खाने की, तो इसलिए हम बाहर पे ही खाते हैं। तो आराम से इन हसीन वादियों के साथ पहाड़ी खाने का आनंद लेते हैं। और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी ने कंडाली का साग कब खाया था लास्ट टाइम। कंडाली का साग पता नहीं यार, खाया तो मैंने यही एक बार मुझे याद नहीं, एक बार नहीं, बुआ ने बनाया था। हाँ, बुआ ने भी बनाया। और कंडाली का साग में जब भी बनाती हूँ ना, तो मुझे अपनी बुआ की याद आती है। हाँ, क्योंकि मेरी बुआ बहुत पसंद करती है और बनाती भी बहुत अच्छा है, तो मैंने बुआ से ही बनाना सीखा था कंडाली का साग, तो इसीलिए मैंने आज बनाया। तो आज पहली बार मैंने बनाया, तो टेस्ट करके देखेंगे कैसा हो रहा है। टेस्ट करके कैसा बना। बिल्कुल। तो यहाँ पे शीतल हमेशा खाना रखने का काम करती है, तो शीतल खाना रख रही है। हाँ, ये भुनी हुई मिर्च भी है जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। मम्मी यहाँ पे खाना स्टार्ट कर रही है, और मम्मी से पूछना चाहूंगी कि कैसा टेस्ट हो रहा है। तो मम्मी अपना टेस्ट क्या बताएं, बहुत ही अच्छा। मोनिका तो बहुत अच्छा बनाती है, पर जो ये कंडाली का साग है ना, इतना स्वादिष्ट। और मम्मी कढ़ाई में खा रही है, तो कढ़ाई में खा रही हूँ क्योंकि सुबह की सब्जी बची थी इसमें, इसी में खा लेती हूँ। स्वाद और ज्यादा स्वाद आ रहा होगा ना। बहुत अच्छा। तो गर्म अंजे को रोद बाटो, चलो कोला मार के दिखाओ। आए हाय, क्या मजा आ रहा है। आप लोगों के मुंह में भी पक्का पानी आ रहा होगा। तो यहाँ पे शीतल भी खाने लगी है, तो शीतल से भी हम पूछना चाहेंगे कैसा हो रहा है। बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप भी कोला मार के दिखाओ। सबके कोले दिखाने हैं ना। कोई बात नहीं, हाथ फुकियो चाहे गिचू फुकियो, कोल मारे दिखाओ। वाह वाह, पक्का ना हो रहा है ना। वाह वाह, खतरनाक। हाँ, तो आप लोग भी घर में बना सकते हो कंडाली का साग। खैर बाहर तो नहीं मिलेगा कंडाली, लेकिन आप लोग अगर जब भी गांव में आते हो तो जरूर कंडाली का साग बनाएं। तो दोस्तों इन दोनों ने तो टेस्ट कर लिया था, लेकिन अब मेरी बारी है। कहीं ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे मेरा मन रखने के लिए और वीडियो के लिए। तो मैं भी टेस्ट करके बताती हूँ कि सच में टेस्टी हो रहा है कि मजाक कर रहे हैं ये लोग। झूठ नहीं बोल रहे, बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा है। वाकई में सही में बहुत टेस्टी हो रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, लेकिन लग नहीं रहा पहली बार बनाया है। शाबाश, बहुत स्वादिष्ट, बहुत शाबाश मोनिका, शाबाश, शाबाश मोनिका। तो अभी हम खाने का आनंद लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग भी आ जाओ। अभी हमने कंडाली का साग और भात भी खा लिया है, और उसके बाद हम यहाँ पे आराम से धूप सेक रहे हैं। क्यों? मम्मी को हंसी आ रही है जब से कंडाली का साग खाया। कंडाली का साग खाया, मुझे उद्वाट हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मुझे लग रहा है गर्म हो गया मम्मी को, ज्यादा गर्म हो गया। सच्ची में ऐसे कब लाट हो रहा है। मन कर रहा है मोनिका को इतना मारूं, इतना मारूं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी कंडाली का साग खाना पसंद करते हैं, तो रेसिपी तो मैंने आप लोगों को बताई दी है, और इसके बहुत से फायदे भी होते हैं जिनके जोड़ों में दर्द होता है, कमर दर्द होता है। तो हफ्ते में 2 दिन तो आप लोग खा ही सकते हो, क्योंकि ज्यादा खाने से भी गर्म हो ही जाएगा। तो हफ्ते में 2 दिन आप लोग बना सकते हो, इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। तो फिलहाल हमने भी आज खा लिया है, देखते हैं कल तक हमें कौन कौन से सुधार होते हैं। सही बात है, कल देख दूं, मेरे घुटनों में दर्द होता, कमर में दर्द होता, एक दिन के खाने से क्या ही होगा। सही बात। हाँ, तो पहले के लोग ना ऐसे ही खाना खाते थे, जड़ी बूटियों वाला खाना खाते थे, इसीलिए निरोगी भी हुआ करते थे। लेकिन अब तो मैगी चाउमीन सब यही बन रहा है, तो इसलिए रोग भी इतने ज्यादा हो रहे हैं। इतना तो नहीं खाते हैं यार हम, मम्मी से सच बताओ इतना खाते हैं हम? बहुत कम, रेयरली हफ्ते में एक दिन भी मुश्किल से खाते होंगे। तो हमें भी ज्यादा बाहर का खाना पसंद है नहीं, मोमोज वगैरह खा लेते थे, पर जब मैं डराती हूँ ना इनको, तब ये मान जाते हैं, नहीं तो चौमिन यही गांव में बनती है। पर ज्यादा नहीं खाते हैं, कभी कभार बोलते हैं, नहीं तो मैं डांटती हूँ, मैं मना करती हूँ, नहीं खाना बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, हमारा पहाड़ी खाना पसंद आया होगा। पसंद आया होगा हमारा पहाड़ी खाना, पहाड़ी कल्चर हमारा पसंद आया, तो हमें जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। नहीं नहीं, एक और बात, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो अपने गांव के लोगों को आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे आसपास कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनसे हम साग बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।